Assalamualaikum, dear everyone. I am back on YouTube after 2000 years. कोई 16 साल के बाद एक वीडियो डाल देती हूँ और फिर अगले 16 साल के लिए गायब हो जाती हूँ. खैर, तो आज जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली एक स्किन केयर रिव्यू पे है, जो कि मुझे प्रोडक्ट्स आई थी. मैं दिखा देती हूँ पहले, सही, बिल्कुल प्रोफेशनल यूट्यूबर्स की तरह, सही है. सो वी हैव प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लिस ऑल नेचुरल. और मेरे पास सिर्फ दो प्रोडक्ट्स नहीं है इनकी, मेरे पास इनकी चार प्रोडक्ट्स हैं. चार प्रोडक्ट्स का आपको वन बाय वन रिव्यू देने वाली हूँ. अच्छा, अब रिव्यू में मैं कहूँगी क्या, मतलब एक जो चीज़ स्किन पे फील हो रही हो वो तो एक अलग चीज़ होती है ना. जैसे कि अभी आप देख भी सकते हो, लेकिन मैं कहूँ क्या. अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, वन बाय वन बताती हूँ जी. आप जो फेस वॉशेज यूज़ करते हो उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को इंटरनली डैमेज कर रहे होते हैं, जिस वजह से एक्ने हो जाती है, आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और इस टाइप के 100 मसले मसाइल लड़कियों के साथ हो जाते हैं. इसीलिए जितनी वो केमिकलाइज चीज़ें अपने फेस पे यूज़ करती हैं उसी हिसाब से उनके मसले जो है वो बढ़ते जाते हैं. आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है. जो बताऊँगी सच बताऊँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊँगी, आई शपथ. चलो जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवील एसेंस. ये रिवील एसेंस जब मैंने सबसे पहले यूज़ किया था तो ट्रस्ट मी, मुझे पहले दिन ही इससे प्यार हो गया था. पहला नशा पहला खुमार. अच्छा खैर, अच्छा तो ये इससे मुझे ट्रस्ट मी पहले दिन ही प्यार हो गया था, क्योंकि इसने मुझे इंस्टेंट रिजल्ट दिए थे. मैंने जब इसको हाथ पे भी इवन स्प्रे किया था, इसको मैंने यूं हाथ पे स्प्रे किया एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स जब वो थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल ड्राई होना शुरू हुआ था, सिंपली टिश्यू के साथ जब साफ किया तो इट गिव्स सच नेचुरल ग्लोई स्किन इवन टू माय हैंड. तो मैंने कहा यार ये चेहरे पे लग के क्या तबाही मचाएगा. उसके बाद जी हमारे पास है इनका एडवांस्ड ब्लूम सिरम. मैंने जब इसे अपनी पहली दफ़ा स्किन पर लगाया तो इट गिव्स अ लिटल बिट ड्राई टेक्स्चर, ठीक है. आप इसको अपनी स्किन पे लगाते हो तो थोड़ा सा एक तो स्टिकी और ड्राई सा टेक्स्चर जो है वो आपकी स्किन को देता है. लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको यूज़ करते जाते हो, मैंने जब इसको फॉर अ वीक यूज़ किया तो मेरे स्किन पे में थोड़ी सी एक्नी बम्प्स जो है वो आ गए. हो सकता है वो इसीलिए आए थे क्योंकि मुझे आदत थी फोमिंग फेस वॉशेज इस्तेमाल करने की, फोम बनाने वाले फेस वॉश इस्तेमाल करने की, जिन्होंने मेरी स्किन को इंटरनली थोड़ा डैमेज किया हुआ था और मेरी एक्नी वो निकलनी ही निकलनी थी बाद में. तो इसने इस सिरम ने क्या किया कि जब मैंने इसको अपनी स्किन पर लगाने शुरू किया तो इसमें थोड़े से बम्प्स मुझे शो हुए. बम्प्स शो होने के बाद मैंने इसको कंटिन्यूस रखा, मैंने इसको छोड़ा नहीं देखने के लिए कि क्या इसी की वजह से ही मेरे स्किन पर बम्प्स हो रहे हैं. जब मैंने इसको कंटिन्यूस यूज़ करना शुरू किया तो अब मेरा फेस आपके सामने है. आई डोंट हैव एनी एक्नी ऑन माई फेस. अब मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ये देख लो सब, सही है. मतलब इस तरह से हो गई हुई है. तो आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. और इस प्रोडक्ट के रिव्यू तो उनके अपने पेज पे भी बहुत कमाल है. आई थिंक एवरी पाकिस्तानी गर्ल हु यूज़ टू हैव फेयर एंड लवली एंड अदर ब्रांड्स इन देयर होम्स और डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं, उनको ये यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दोज, ठीक है जी. उसके बाद जी हमारे पास आता है इनका फेस वॉश. दिस फेस वॉश इज़ अमेजिंग, ठीक है. जिनकी स्किन ड्राई हो उनके लिए आइडियल है. और ये वैसे स्किन केयर टोटली ही हर स्किन टाइप को सूट करेगी, गर्मियों में, सर्दियों में, इन फोर सीजन्स. तो ये जो इनका फेस वॉश है, फेस वॉश बेसिकली इनका डीप क्लींजिंग फेस वॉश है. आपके स्किन रफ है, ड्राई है, पैचेस हैं आपकी स्किन पे, आपकी स्किन टाइट नहीं है, ढलकी ढलकी स्किन है, आपकी स्माइल लाइंस विजिबल होती हैं, आपके रिंकल्स, आई लाइंस, पैचेस, ये डार्क सर्कल्स आपके जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तो ये दो प्रोडक्ट्स आप इनकी इस्तेमाल कर सकते हो, द फेस वॉश एंड द एडवांस ब्लूम सीरम. एंड यू गोना गिव मी दुआज. लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपके ओपन पोर्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं,
पैची लाइंस हैं, अंडर आइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी शो अप होती हैं, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा शो अप होती थी, अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, आप देख रहे हो, सही है। और साथ में स्माइल लाइंस अगर आपकी बहुत ज़्यादा शोन होती हैं तो भी आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन को टाइटन अप करते हैं, आपकी स्किन को एक जैसे कहते हैं ना यूथफुलनेस देते हैं आपकी स्किन में। दिस इज़ वट दिस प्रोडक्ट डू। अच्छा जी, तो ये फेस वॉश की भी बात होगी। फेस वॉश का टेक्सचर जो है वो मैं आपको साथ साथ आपको आगे देखने को मिल जाएगा, बल्कि मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो वीडियो ऐड कर दूंगी, या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे छोटा सा जो ट्यूटोरियल है इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, सो दैट यू कैन फाइंड इट रियली वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये फेस वॉश है ब्लिस ऑल नेचुरल का, हम यहाँ पे करते हैं इसकी तारीफ़ें ख़त्म। और जी, तो अब हम आते हैं नंबर फोर्थ प्रोडक्ट के ऊपर। नंबर फोर्थ हमारी प्रोडक्ट है जी ये फेशियल मॉइस्चराइज़र। ये फेशियल मॉइस्चराइज़र बेसिकली एंटी एजिंग फेशियल मॉइस्चराइज़र है। जैसे मैंने वो बताया कि अगर आपके स्माइल लाइन्स हो, एजिंग लाइन्स हो आपके फेस पे, तो आप वो दो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। सेम एज इट इज़ अगर आप सिर्फ एडवांस ड्यूम सीरम और ये भी यूज़ करो तो आप चक दे फट्टे कर दोगे। प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इनकी प्रोडक्ट में कोई भी केमिकलाइज चीज़ शामिल नहीं है। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम पाकिस्तानी लड़कियों को, हम पाकिस्तानी हैं, वो हमको बहुत आदत होती है सिर्फ और सिर्फ केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करने की। हमें चाहिए होता है कि हम फेस वॉश करें तो उसमें झाग बने, हम टूथब्रश करें तो उसमें झाग बने, झाग नहीं बन रही तो टूथब्रश ही नकली है या एक्सपायर हो चुका है। और उसके बाद अगर हम कोई सीरम इस्तेमाल करें तो सीरम भाई टाइट नहीं करना चाहिए, टाइट नहीं करें स्किन को, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्किन को ग्लोई ग्लो दे और मॉइस्चराइज करे, तो ऐसा नहीं होता। जो चीज़ जिस चीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम करे तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। कुछ जो सीरम्स होते हैं वो आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देने के लिए आपकी स्किन को टाइटन अप करते हैं और साथ में ग्लो भी देते हैं, आपकी स्किन को साथ साथ साफ भी करते रहते हैं। इवन दो ना सिर्फ वो ऊपर से काम कर रहे होते हैं, वो इंटरनली भी आपकी स्किन को काफी हद तक बेनिफिट्स पहुंचा रहे होते हैं जो हमें नजर नहीं आते। यस, मैं बहुत स्पीड में और बहुत एक सांस में बोल रही हूँ, जरा ब्रेक ले लेते हैं। अब आ गए हैं ब्रेक के बाद वापस अपनी एनर्जी चार्ज करके। तो इतना सारे व्यू था इन सारी चीज़ों का, अगर आपको देखना है डिटेल में कि इनको मैं यूज़ कैसे करती हूँ अपनी डेली लाइफ में, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों ने ये रिव्यू भी जो है वो इन्जॉय किया होगा। और अगर मेरी रिकमेंडेशन पर ट्रस्ट करते हैं तो आप ये प्रोडक्ट्स जाके ले सकते हैं। मोर ओवर अगर आपको नहीं भी लेनी तो आप सिंपल इनके पेज पे जाकर अपनी स्किन को स्किन के बारे में कंसल्ट भी कर सकते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स ही जो है वो रिकमेंड करेंगे, हो सकता है वो आपको कोई ऐसी ट्यूब्स या ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें, ऐसे रेमेडीज जो है वो सजेस्ट कर दे उनकी टीम जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, बिकॉज दे हैव टोल्ड मी कि वो कंसल्टेंसी भी देते हैं। वो सिर्फ इसलिए भी कंसल्टेंसी फ्री देते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो सके, मैक्सिमम लड़कियां बच्चियां जो हमारी आज की न्यू जनरेशन जो है अपने फेस तबाह कर रही है, छोटी सी एजेस में उनके फ्रेकल्स हो रहे हैं, उनके फाइन लाइन्स हो रही हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट केमिकलाइज प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लेके स्किन के, तो शायद वो ठीक हो जाए। तो एक अच्छा काम वो कर रहे हैं। अगर आप लोगों को उनके साथ कंसल्टेंट करना है, कंसल्टेंट उनका वहाँ पे 100% अवेलेबल है जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ इन सब प्रोडक्ट्स का भी, उनके पेज का भी। आप उनके पेज पे जाएं और वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करें, उनसे कंसल्ट करें, एंड तारा दुआएं दें मुझे भी। और अगर आप न्यू हैं मेरे पेज पे और पहली दफ़ा मेरा रिव्यू देख रहे हैं तो लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। बाय बाय।